नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच चलने वाले आखिरी हमारे दूसरे टेस्ट मैच का आखिरी दिन लेकर आए हैं हम लोग। और सबसे अच्छी बात है कि आज के दिन मेरे ख्याल से इस मैच का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूँ, किसी एक साइड के साइड जाएगा मैच, या तो इंडिया जीतेगी या तो वेस्ट इंडीज जीत सकती है। ड्रॉ के चांसेस थोड़े बहुत हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इंडिया यहाँ पर 8 विकेट 3 सेशन में ले सकता है। आपको हमारे गेम प्ले का अगर आपने पहली बार देखा ना हो पहले 1 से 4 दिन तो ज़रूर देखिए। चारों दिन काफ़ी रोमांचक चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, किस तरह से इंडियन टीम ने अच्छी बैटिंग की, दूसरी बार यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने उतनी ही टक्कर दी बल्कि आगे भी निकल गई थी, और फिर जब सेकंड इनिंग आई इंडिया की तब इंडिया ने यहाँ पर कमाल दिखाया और लाजवाब स्कोर कार्ड खड़ा किया है। और यहाँ पर अगर वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा फाइट बैक दिखा देती है तो जीत सकती है। पहली गेंद हम लोग डाल रहे हैं ईशांत शर्मा के साथ। कल के दिन कुछ बड़े शॉट देखने को मिले थे, यहाँ पर 2 विकेट गंवा दिए। आपको हमारा गेम प्ले पता है, हम लोग किस तरह से खेलते हैं। पहले 2 सेशन ख़त्म होंगे। अब इसमें एक चीज़ है जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है, वो है कि अंत के 30 ओवर हम लोग खेलते हैं, उसमें से 10 ओवर गेम प्ले, फिर ऑटो प्ले, फिर 10 ओवर खेलते हैं हम लोग। तो पहले 2 सेशन में अगर मान लो 6 विकेट गिर जाती है या 5 विकेट गिर जाती है तो हमें 30 ओवर में अंत के बाकी की आधी वेस्ट इंडीज़ टीम को आउट करना होगा। तो वहाँ पर टफ जो चीज़ है, जो मुश्किल चीज़ है, वो है हम लोग एक्सपर्ट मोड में खेल रहे हैं। मेरा ये पहला एक्सपर्ट मोड में टेस्ट है तो मुझे आइडिया है नहीं, और 298 रन चाहिए, पॉसिबल हैं। अगर आप देखते हो आपके पास 60 ओवर है और आपको 4.5 के रन रेट से रन बनाना है, पॉसिबल है। 4 विकेट गंवाई है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वेस्ट इंडीज़ थोड़ी सी फाइट बैक देती है यहाँ पर, हल्की फुल्की भी कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैच में जीत सकती है। मुश्किल है वेस्ट इंडीज़ के लिए, थोड़ा मुश्किल है इंडिया के लिए भी, मुश्किल होने का जब हम लोग बॉलिंग करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है। इससे पहले हमने जब गेंदबाजी की थी, पूरे दिन हमने गेंदबाजी की थी, हम विकेट नहीं ले पाए थे। तो आज फिर हम देखेंगे क्या करते हैं। पहली गेंद 2 सेशन की मैं डालूंगा और फिर उसके बाद गेम प्ले की तरफ आगे बढ़ूंगा, और जब वीडियो प्ले होगी तब मैं आपको एक बात बताऊंगा। अभी हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं, ईशांत शर्मा के साथ शुरुआत हुई है, लीव कर रहे हैं गेंद को। मेरे ख्याल से इस वक्त इन्हें थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना चाहिए। अगर आपके कप्तान को लगता है, अगर आपके कप्तान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम लोग मैच को थोड़ा पुश कर सकते हैं और आगे की तरफ, तो कर सकते हैं। अग्रेसिव शॉट दिखाने होंगे। बात कर रहा था मैं एक बात की, वो बात ये थी कि मेरा PC इस समय रिकॉर्डिंग के वक्त सारे सामान मिल गए। मैं कुछ देर के बाद ये वीडियो ख़त्म होने के बाद शुरू करूँगा असेंबलिंग, तो हो सकता है उसकी वीडियो भी आए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा चैनल पर। यहाँ पर सिमुलेट हुआ है 2 सेशन और पूरा होता हुआ है यहाँ पर, और अब देखना ये है कि कितने रनों से यहाँ पे पीछे हैं। अगर 120, 130, 176 हैं, यानी कि भाई बॉल टू बॉल ला दिया है, एग्जैक्ट बॉल टू बॉल ला दिया है। अच्छी गेंदबाजी की है इंडियन टीम ने, रनों को रोका है यहाँ पर 2 सेशन में, 6 विकेट भी गंवा दिए हैं। जो 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, अरे बाप रे, ये मैच बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। रीज़न ये है कि हमारे सामने दोनों सेट बैट्समैन हैं, और जब भी सेट बैट्समैन आते हैं तो उनका हमारे सामने रिकॉर्ड जो रहा है वो ऑलमोस्ट 6 रन रेट रहा है, 6 के रन रेट को वो पकड़ के रखते हैं। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि उन्होंने उससे भी ज़्यादा बैटिंग की है। आप हमारा श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच देख लो, हमने मैच खेले थे उनमें, आप देख लो जब भी सेट बैट्समैन आया है अच्छी इनिंग खेली है। रविंद्र जाडेजा यहाँ पर आए पहली ओवर करने, हमारा गेम प्ले यहाँ से शुरू हो रहा है। 5वां आखिरी दिन, आखिरी सेशन, नया बॉल ड्यू है, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगा 2-3 ओवर अगर मुझे लगा स्पिनर को कंटिन्यू करना है तो। 401 रन है पहली इनिंग में, इस इनिंग में 382 लग चुके हैं, तो 176 179 गेंदों में वनडे बन गया है भाई। अभी ये वनडे बन चुका है, आप कह सकते हो 96 ओवर है, मतलब 106 तक हम ओवर करेंगे। बड़े शॉट खेलने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, डीप में प्लेयर मौजूद है। एक बार फील्डिंग चेक करेंगे हम लोग, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आज के दिन। मैं ये कह सकता हूँ कि फील्डिंग बड़ा रोल प्ले करेगी। मैं अभी नहीं बदल रहा हूँ फील्डिंग, एक बार बदलते हैं फील्डिंग बदलने की ज़रूरत लग रही है मुझे। थोड़ा सा ऊपर हो जा तो ठीक है चलो, नई फील्डिंग सेटअप के साथ यहाँ पर हल्का सा एक ही प्लेयर को चेंज किया है ऐसे फील्डिंग में। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ग्राउंड शॉट और 4 रन। मैं प्लेयर को पहले अंदर रखा था, फिर मैंने इसको पीछे ऊपर की तरफ भेज दिया है। पहली गेंद चौका लगती हुई यहाँ पर, राइट ही आया है, लेफ्ट आर्म बॉलर गेंदबाजी कर रहा है। पहली बाउंड्री वेस्ट इंडीज़ को मिलती हुई इस आखिरी सेशन की।
न्यू बॉल ड्यू है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ न्यू बॉल ड्यू है, लेकिन मैं मन से चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ बड़े शॉट खेले, क्योंकि इनके पास विकेट कम है और रन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 176 अगर होता है, चार विकेट बची है, मतलब आप 40 के आसपास रन तो करना है, सभी प्लेयर को कम से कम 40 करना है, एक दो को 50 भी करना पड़ सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से 40 रन तो मिनिमम है। तो मैं चाहता हूँ कि बड़े शॉट खेलें, क्योंकि ये बड़े शॉट खेलेंगे तो इतने बड़े शॉट तो नहीं खेल पाएंगे कि 176 लगातार सिर्फ और सिर्फ बड़े शॉट से कर पाएँ। तो देखना होगा, ये देखे लगता हुआ शॉट, 6 रन जाएगा। अरे बाप रे, हमने इनको बोल तो दिया है, हमने इनको कह तो दिया है कि भाई आप बड़े शॉट लगाइए, मैं हैंडल कर लूँगा। जेसन होल्डर कप्तान यहाँ पे 73 गेंदों में 52 रन कर चुके हैं, टेस्ट मैच अपने बेस्ट पोजीशन में पहुँच चुका है, जहाँ पे दोनों टीमें फाइट दे रही हैं, दोनों टीमें जीत सकती हैं। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को एक बात कि अगर मुझे लग रहा है कि स्पिनर को कंटिन्यू कराना है तो ही मैं कराऊंगा, वरना मैं तेज गेंदबाजों को नई गेंद से गेंदबाजी कराऊंगा। अभी के लिए मैं कोहली को दे रहा हूँ। कई लोगों को मन में डाउट हो रहा है भाई कोहली को क्यों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी पुरानी मैचेस देख लो, आपको पता चल जाएगा क्यों कोहली को मैं गेंदबाजी दे रहा हूँ। ख़राब गेंद है, बढ़िया शॉट हाल फिलहाल डॉट गया है, हेथमायर पिछले ओवर में ज़्यादा गेंदें खेली नहीं थी, मिली नहीं थी मौका इनको, लेकिन इस बार ये मिस नहीं करेंगे। सबसे अच्छी बात हेथमायर की है कि इनका कॉन्फिडेंस मीटर बहुत बढ़िया है, यानी ये बड़े शॉट लगा सकते हैं, बड़े शॉट लगाने के अलावा इनके पास रेटिंग और रैंकिंग इनका हाई है, तो हर प्रकार का क्रिकेट आराम से खेल सकते हैं। अब सब कुछ हमारी गेंदबाजी पे है। कई लोग मेरे से ट्रिक्स पूछते हैं, टिप्स पूछते हैं कि भाई किस तरह से रियल क्रिकेट 19 में गेम विकेट लें, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हर एक गेंद को परफेक्ट रखो, फील्डिंग को फैला दो। मैं अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है, आप ग्रीन लाइन पर रखते रहो, क्योंकि टेस्ट मैच है, 90 ओवर होता है भाई, 20-20 नहीं है कि आप हर 2 ओवर में ही विकेट एक्सपेक्ट करोगे, तो टेस्ट मैच तो भाई 90 ओवर के हिसाब से लॉजिक करेगा अप्लाई। अब 90 ओवर में अगर आप शुरू की 10 ओवर होती है, 60 गेंदें 60 में से अगर आपने 45 गेंदें भी ग्रीन लाइन डाली, तो 100% चांस है कि विकेट मिलेगा आपको, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, रन आउट का विकेट हो, कोई भी तरीके से रन आउट हो, लेकिन रन आउट मिलेगा आपको, गारंटी है। हाँ, विराट कोहली हाल फिलहाल 9वां ओवर डाल रहे हैं अपना, और सिंगल के साथ एंड किया इसको। 106 ओवर के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, क्या ऑटो प्ले करना है या तो फिर जो चल रहा है वही चलने देना है। अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये 10 जो ओवर हैं इसमें कम से कम मैं एक विकेट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि मैंने गलती से शमी को दे दिया, मैंने बुमराह पे क्लिक किया, क्लिक ही नहीं हुआ उस पर, और गलती से शमी को गेंदबाजी आ गई, यानी आप कह सकते हो ये ओवर ऊपर वाले ने अपने आप सेलेक्ट किया है, मैंने अपनी तरफ से सिलेक्ट नहीं किया है। अब देखते हैं ये ओवर अच्छा जाता है कि ख़राब जाता है, क्योंकि मैं बुमराह पे क्लिक किया, मुझे लगा क्लिक हो गया, पर गेम लैग कर मारी और उसके कारण यहाँ पर मोहम्मद शमी को गेंदबाजी मिली है। बाहर रखी है गेंद, शॉर्ट पिच है, लीव किया है, जो कि बहुत ही समझना आसान है क्यों उन्होंने लीव किया है। वाइड गेंद का इशारा मिला है, अरे टेस्ट मैच में वाइड गेंद, कोई बात नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ ये बड़े शॉट खेलना शुरू करें, हेथमायर या तो होल्डर, क्योंकि जब तक ये दोनों बड़े नहीं खेलेंगे शॉट, तब तक ये गेम समझ लो अटक गई है, ऐसा समझ लो आप गेम को। 98.1 ओवर यहाँ पे हो चुका है, अगली गेंद यहाँ पे ग्रीन लाइन पे रखने की कोशिश है, पर नहीं रख पाए, उतने सही ढंग से नहीं रख पाए जितना उम्मीद थी। शमी को गेंदबाजी दी है, 3रा ओवर चल रहा है, हर एक ओवर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, एक एक गेंद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपको विकेट का मौका नहीं मिलेगा, एक गेंद चली गई तो उस पर। बड़ा शॉट और सफलतापूर्वक सिक्स मारने में कामयाबी मिली है। अगर वेस्ट इंडीज़ यही एटीट्यूड के साथ खेलती रही कि एक ओवर संभल के खेलेंगे, अगले ओवर में मौका मिलते ही बड़ा शॉट खेल देंगे, तो हो सकता है जब मैच ख़त्म हो तो वेस्ट इंडीज़ का नाम विनिंग स्कोर कार्ड पे हो, विनिंग टीम की तरह नाम लिया जाए। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी की तो शुरुआत हुई है आखिरी सेशन की, गेंदबाजी ख़राब हो रही है ये मैं मानता हूँ, मोहम्मद शमी गेंदबाजी को रखने में, अरे अपील हो गई है, अरे भाई आउट दे दे, आउट स्विंग हुई है, काफ़ी मुश्किल है समझना, आउट स्विंग हुई है इसलिए मुझे लग नहीं रहा है आउट होंगे, पर मेरा काम है DRS लेना, मैंने लिया है, बहुत उम्मीद से कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था ये गेंद मैंने नहीं सिलेक्ट की है, ये बॉलर को मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, अरे
अरे भाई मिल गई विकेट, विकेट मिल गई है। हमने मोहम्मद शमी को गेंदबाजी नहीं दी थी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मैंने आप मेरे घर, आपको यकीन ना हो, ये वीडियो शुरू जब ये ओवर शुरू हुई थी उसके पहले की ओवर, आप चले जाओ शुरुआत में, पहली गेंद डालने से पहले मैंने बुमराह पे क्लिक किया था, क्लिक हुआ नहीं और मोहम्मद शमी पे क्लिक हो गया था और ओके होने के कारण यहाँ पे शमी को ओवर मिली थी। और ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस्मत देखिए भाई, मैंने परफेक्ट गेंद डाली नहीं थी, परफेक्ट गेंद नहीं डाली थी, ये विकेट मुझे बेकार किसी गेंद पे मिल गई है, कह सकते हो आप। प्रैक्टिस पता नहीं क्या कहूँगा मैं, कैमर रोच आए हैं, एक दो बार अच्छा खेले हैं, लेकिन 176 या 150 140 इस टारगेट पे इनका परफॉर्मेंस क्या आएगा वो देखना होगा। पहली सफलता हमको मिल गई और उसी के साथ एक बात क्लियर हो गई है कि मोहम्मद शमी अब कम से कम 2 से 3 ओवर करेंगे। और देखते हैं, हम लोग यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को कंटिन्यू करा रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ हमारे कप्तान साहब को थोड़ी देर के लिए। अगर मुझे लगेगा कि दोनों तरफ से 2-3 ओवर कुछ नहीं हो रहा या मौके भी क्रिएट नहीं हो रहे, तब मैं बुलाऊंगा। हाल फिलहाल मैं इनको लीव कर रहा हूँ और अब देखना ये होगा कि किस तरह से गेंदबाजी करते हैं बुमराह। मेरा इनके साथ परफॉर्मेंस पता नहीं क्यों ख़राब रहता है यार, मैं आज तक इनके साथ बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया हूँ। मोहम्मद शमी के साथ विकेट ले गया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बुमराह के साथ विकेट नहीं ले पाऊँगा। पर पिछली विकेट लाजवाब, मोहम्मद शमी की आउट स्विंग और परफेक्ट गेंद नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी विकेट की, कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर भी सफलता मिली है। हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, जो टिप्स और ट्रिक की बात हुई थी वो यही थी कि आपको कोशिश करते रहना है परफेक्ट लाइन की, क्योंकि ये टेस्ट मैच है, आपको 90 ओवर एक दिन बैटिंग बॉलिंग में करना है खाली, तो आसान नहीं होता है। आप हर एक ओवर में उम्मीद नहीं कर सकते यार कि आप पांच ओवर आपको विकेट नहीं मिला तो आप बोलो यार ये तो ट्रिक काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होता। आपको 90 ओवर डालने हैं, 90 ओवर में अगर आप 4 विकेट भी 5 विकेट भी लेते हो तो उस दिन के लिए कई बार अच्छा परफॉर्मेंस होता है, कई बार, हर बार नहीं कर रही, कई बार ऐसा होता है कि उसको अच्छा परफॉर्मेंस कहते हैं लोग, यार 5 विकेट गिरा दी 300 पे 250 पे, 5 विकेट गिर गई। तो डिपेंड करता है स्कोर कितना है, उसके सामने विकेट देखते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये नए बैट्समैन हैं कैमर रोच, वो गेंदें बिगाड़ने से 2 मिनट पहले भी सोचेंगे नहीं, वो बिगाड़ना होगा तो बिगाड़ देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर उन्होंने ओवर बिगाड़ी तो फिर वेस्टइंडीज का जीतने का चांस ख़त्म हो जाएगा, या तो फिर हेटमायर को खुल के खेलना पड़ेगा पूरा वनडे T20 जैसा, अकेले खेलना पड़ेगा जैसा कि बेन स्टॉक्स ने खेला था। जी हाँ, अभी अभी हमारे सामने एक इनिंग पूरी हुई है, इस सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच जो हुआ था उसमें बेन स्टॉक्स ने जैसी इनिंग खेली है कि पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे, जितना टारगेट है 150 का टारगेट है तो लगभग 80% रन वो करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर पहला शॉट 6 लग चुका है, शमी की ख़राब शुरुआत, पिछली ओवर भी कुछ खास नहीं थी लेकिन विकेट ने सब कुछ बना दिया था। यहाँ पर चौका लगता हुआ, यार मोहम्मद शमी आपको ओवर हमने दी तो है लेकिन यार इस तरह से चौके छक्के अगर पड़ेंगे तो फिर नए बैट्समैन का नुकसान हो जाएगा। हमारे जो फ़ायदा है नया बैट्समैन आने का कि गेंद बिगड़ेगी, कम से कम हम हारेंगे नहीं मैच अगर वो गेंद बिगाड़ देगा, लेकिन अगर इसी तरह से चौके छक्के पड़ते रहेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक हमने एक भी यॉर्कर डाली नहीं है, चलिए डालते हैं यॉर्कर और परफेक्ट ग्रीन लाइन डाली है, मैं चाहता हूँ बड़े शॉट खेले, मज़ा आ जाएगा। अरे डिफेंस कर गए हैं, ये चीज़ बहुत अजीब है, जब हम अच्छी गेंद डालते हैं बंदा डिफेंस कर जाता है। गलत गेंद, कोई बात नहीं, स्विंग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना अंदर हो सकती है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। बड़ा शॉट और ओरे यार यहाँ पर विकेट मिल सकता था, कई बार ऐसा हुआ है इस तरह की गेंदों पे हमें विकेट मिला है, इससे पहले कई बार मिल चुका है, मुझे एक्चुअली ये भी लगा कि आउट था, पता नहीं कैसे वो गेंद पहले ही रुक गई। इस बार स्ट्रेट शॉट खेलते हुए 14 रन तो सिर्फ चौके छक्के से आए हैं, खराब ओवर, पिछले ओवर की जो अच्छी बात थी वो सब खत्म हो गई इस ओवर में। एक बार हम जरूर रन चेक करेंगे, अभी नहीं ये देख लें ओवर हो जाए, एक दो गेंद डाल दें उसके बाद, लेकिन लाजवाब बैटिंग। हेटमायर अकेले कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, बुमराह विकेट निकालनी होगी बुमराह आपको, 139 रन रह गए, ओवर है यहाँ पे 24.2, मतलब कि भाई बहुत बढ़िया खेल रही है टीम। 24.2 का मतलब जानते हैं आप कितना हुआ यहाँ पे, होता है 146 गेंदों में 139 रन। कैमर रोज जब तक धीरे खेल रहे हैं तब तक बढ़िया है, अगर कहीं इन्होंने भी बॉल टू बॉल भी खेलना शुरू कर दिया तो हमारे लिए समझ लो मुश्किल ही मुश्किल है।
अच्छी गेंद ग्रीन लाइन पे रखते हुए कैमर रॉज पांचवी गेंद खेलने वाले हैं। अभी तक रन नहीं बनाया है, स्ट्राइक नहीं रोटेट किया है। एक और डॉट गेंद खेलते हुए अगली गेंद फुल यॉर्कर लैंड डाली है, उम्मीद के साथ कि यहाँ पर एक आध गेंद मिस हो जाए तो मजा आ जाएगा। पर बोल्ड करना एक्सपर्ट मोड में तो भाई अभी हमारे लिए सपने से कम नहीं है। अगर बोल्ड हो जाते हैं तो खुद में एक बहुत बड़ी बात होगी और अपने पिछले इनिंग के हाई स्कोर को चेज कर चुकी है। पहली बार 401 बनाए थे, अभी 419 हो गए हैं। और क्रेडिट जाएगा मोहम्मद शमी की, जो ख़राब ओवर गई थी, हेटमायर ने खेली थी वो। फाइनली हेटमायर और बुमराह का सामना हो रहा है। मैं देखना चाहता हूँ हेटमायर बुमराह के सामने कैसा खेलते हैं। शमी को तो धो दिया था लेकिन क्या आप बुमराह को भी धो पाएंगे, देखना होगा। हल्का सा ग्रीन लाइन टच हुआ है या कह सकते हैं नहीं भी हुआ है, देखना होगा। शॉट पे सब कुछ डिपेंड करेगा। ग्राउंड शॉट गैप में खेला है, 4 रन जाएगा। इस गैप को कैसे भरूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सही में समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मैं फील्डिंग चेक करूँगा क्योंकि यार रन और बॉल अब धीरे धीरे बराबरी पे आ रहे हैं। मैं अगर इसको इस प्लेयर को यहाँ रख देता हूँ तो मेरे ख्याल से नुकसान है ऑफ साइड में। अब रख दिया है, मैंने रख दिया है, अब देखते हैं। पहली गेंद खेली थी, चौका मारा है, तो अभी हेटमायर को लीड मिल चुकी है बुमराह के सामने। बुमराह को विकेट नहीं मिले हैं, 24वां ओवर हो गया है इनका, 84 रन दिए हैं, पर विकेट के मामले में अभी भी ठेंगा है इनके पास। मोहम्मद शमी को एक बार फिर से उम्मीद के साथ ओवर दे रहा हूँ और होप कि वो सफलता दिलाएं। भले रन दे रहे हैं, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप रन दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन विकेट दिला दो मुझे एक और, बस एक विकेट, बस एक विकेट। और अगर एक विकेट गिर जाती तो फिर मैच ख़त्म, मेरे ख्याल से तो मैच ख़त्म होगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर मान लीजिए ऑटो प्ले में एक विकेट होते हैं, फिर हमको 2 विकेट लेनी होगी आखिरी में। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम निकाल लेंगे, एक विकेट निकाल लेंगे, पर उसके लिए हेटमायर को शॉट खेलने पड़ेंगे बड़े बड़े। हर एक बड़ा शॉट चौका छक्का नहीं होता, यहाँ पर हमने मिस कर दिए गेंद। कैमर रॉज के पास बढ़िया मौका है रन बनाने का, लेकिन लीव कर रहे हैं गेंद को। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग है, पर एक बात अच्छी है कि टिके हुए हैं, क्योंकि अगर ये टिके रहेंगे तो 5 ओवर के बाद ये भी एकदम खुल के सिंगल डबल लेना शुरू कर देंगे। तो अभी इनका एक ही टारगेट है, टिकना, जो शुरू के 4 ओवर 5 ओवर होते हैं वो सर्वाइव करना। और एक बार वो सर्वाइव हो गए तो फिर अपनी सिंगल डबल की गेम चालू कर देना। कभी डबल मिल जाएगा, कभी सिंगल मिल जाएगा, कभी डॉट भी जा सकता है, लेकिन डॉट कम जाएंगे फिर बाद में। अभी जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, फिर बाद में नहीं जाएंगे। 2 ओवर खेल लिए इन्होंने, 1 रन बनाया सिर्फ, तो ये तो काफ़ी धीरे खेल गए हैं, पर ठीक है। सामने से हेटमायर सब कवर कर देते हैं, 1 ओवर में 10 रन 12 रन तो सब कवर हो जाता है। यहाँ पर इनका जो खाई हुई गेंदें हैं वो सब कवर हो जाती है। इस बार स्ट्राइक रोटेट कराया आखिरी गेंद पर, क्यों कराया मैं समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि हेटमायर ही रहते तो अच्छा था वेस्ट इंडीज़ के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी परीक्षा हो जाती। अब फिर से बुमराह वर्सेस हेटमायर के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो खेल रहे हैं वो हैं कैमर रॉज। और मानना पड़ेगा भाई, रियल लाइफ में जिस तरह की गेंदबाजी की है ना कैमर रॉज ने, मानना पड़ेगा उनको। उनको अगर एक बंदा और मिल जाता साथ देने वाला तो हालत कुछ और होती इंडिया की। हाल फिलहाल हेटमायर आए हैं, फाइनली हमको मौका मिला है हेटमायर के सामने गेंदबाजी करने का। और मैं चैलेंज है, ये चैलेंज में तो मज़ा आता है यार, मैं चाहता था आए मेरे सामने। अब देखते हैं क्या शॉट खेलते हैं। डिफेंस कर रहे हैं हाल फिलहाल, पहली गेंद डिफेंस किया, चेक किया है बुमराह को किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या है इनका, किस मूड में है, स्विंग करा रहे हैं कि नहीं, कितनी करा रहे हैं, वो सब चेक किया इन्होंने। और अगली गेंद हमारी बदकिस्मती से बहुत ही ख़राब गई है, 6 पड़ने के चांस हैं। हाल फिलहाल स्ट्रेट ड्राइव खेला है, सिंगल तो कन्फर्म है और सिंगल पे अटकेंगे। इस ओवर के बाद मैं एक गेंद डाल के चेक करूंगा स्कोर कार्ड। 106 ओवर तक मुझे डालनी है गेंदबाजी, 106 तक, उसके बाद 106 के बाद मैं ऑटो प्ले करूंगा 10 ओवर। मिडल पे रखने की कोशिश है, स्ट्राइक रोटेट किया है कैमर रॉज ने, मैंने पहले ही कहा है आपको, वो थोड़ा सा सेट हो गया ना 4-5 ओवर, उसके बाद आप देखना कैमर रॉज सिंगल देंगे, डॉट गेंदें एकदम से कम होने लगेंगी और धीरे 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 फिर वो बड़े शॉट भी ले सकेंगे, लेकिन उसमें वक्त है, काफ़ी वक्त है। हम लगभग 16-17 ओवर जब ख़त्म हो जाएंगे तब वो बड़े शॉट ले पाएंगे, वो भी पूरा परफेक्ट नहीं जाएगा शॉट। हेटमायर इस ओवर में कुछ बड़ा नहीं कर पाए हैं मेरे ख्याल से, मूड में तो हैं, अब देखते हैं क्या कर पाते हैं। मैं रिवर्सिंग करा रहा हूँ, अभी तो मैंने नहीं कराई है, लेकिन परफेक्ट गेंद नहीं गई है, ये गलत रुकी है और फ़ायदा उठाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली है। सिंगल से एंड हुआ है ओवर, कंपेयर टू पिछले सारे ओवर से बहुत ही बढ़िया रहा है ये ओवर।
104 ओवर हो चुके हैं, मोहम्मद शमी को ही मैं ओवर दे रहा हूँ। विश्वास है मुझे कि मोहम्मद शमी कुछ ना कुछ कमाल करेंगे। ये गेंद के बाद हम स्कोर कार्ड चेक करेंगे, कितने रन चाहिए, कितने ओवर बाकी हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। बड़ा शॉट, हेटमायर को मौके मत दो भैया, हेटमायर बहुत मारेगा, हेटमायर बहुत मारेगा। इनके पास विकेट नहीं है, वरना इस मैच में आप कह सकते हो कि भाई वेस्ट इंडीज़ ही जीतती। अगर यहाँ पे 4 या 5 विकेट गिरे होते और इनके पास 5 विकेट और बचे होते तब तो गारंटी था। इस बार डीप में प्लेयर इंतजार कर रहा है, लेकिन डीप में पिच खा गई है पहले ही। हेलीकॉप्टर शॉट खेला था, सफलता नहीं मिली है अभी तक, शॉट नहीं खेल पाए हैं जिस तरह का खेलना चाहते थे। कैमर रोच आ गया, मैं नहीं चाहता था रोच आए, मैं चाहता था हेटमायरी आए। वो बड़े शॉट खेलेंगे, आउट होंगे, मज़ा आएगा। क्योंकि क्या है, ऑटो प्ले में एक विकेट तो गिरना कन्फर्म है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हेटमायर अभी आउट हो जाए और ऑटो प्ले में कुछ एक नया बैट्समैन जो होता है जो गेंदें बिगाड़ बिगाड़ के खेलता है वो आउट हो। देखते हैं पांचवी, इसके बाद एक और ओवर है हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ स्ट्राइक रोटेट हो। कैमर रोच पूरा गेम बिगाड़ रहे हैं, एक्चुअली कैमर रोच पूरा का पूरा हमारा प्लान बिगाड़ दे रहे हैं, गेंदें बिगाड़ के स्ट्राइक पे आने नहीं दे रहे हैं, खुद स्ट्राइक ले नहीं रहे हैं, सही ढंग से खेल नहीं रहे हैं, हर गेंद को दबा दे रहे हैं, या तो रोक दे रहे हैं, या निराशाजनक परफॉर्मेंस। एक बंदा ड्रॉ के मूड में लग रहा है मुझे, कैमर रोच ड्रॉ के मूड में है, वहाँ पर हेटमायर जीतने के मूड में, और दोनों के मूड कंफ्यूज कर रहे हैं हमको। यहाँ पर सिंगल लिया है, बदकिस्मती ऐसी कि भाई साहब ने खुद स्ट्राइक ले लिया है बुमराह की ओवर में। मैं साइड चेंज करके डालने वाला हूँ बुमराह में, मैं पहले ही बात बोल दे रहा हूँ, और हम लोग बदलेंगे साइड। बुमराह का आखिरी ओवर होने वाला है ये, और 121 गेंदें बाकी हैं इस वक्त। 20 ओवर का ही गेम प्ले है, 20.2 का 121 गेंदें हैं, मतलब कि 122 गेंदों में गजब का मैच है भाई। 122 गेंदों में 120 रन, 121 रन। और सबसे ख़राब चीज़ जो ये है कि ऑटो प्ले में ये लोग 30-40 रन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आखिरी 10 ओवर में 80 से 90 रन करने का होगा, और जो टीम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीत जाएगी। अब मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आए हैं हेटमायर और सामने जसप्रीत बुमराह है। ऑटो प्ले के पहले का आखिरी ओवर है। अच्छा है कि डॉट गया है, मैं नहीं चाहता कि सिंगल आए, डबल आ जाए चलेगा, 6 चौके आ जाए चलेगा, क्योंकि जब तक हेटमायर खेलेंगे तभी तक बड़े शॉट और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा, और ये मैच ऐसे सिचुएशन में है कि इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो फिर वन साइडेड मैच हो जाएगी। सिंगल, अरे यार 439 हो गए रन, 7 विकेट के नुकसान पे सिर्फ 2 या 3 गेंदें ही बची हैं, 3 गेंदें ही बची हैं, और ये भाई साहब तो रन लेंगे नहीं, हमारे कैमर रोच साहब तो रन लेंगे नहीं, मुझे पता है। चमत्कार हो जाएगा अगर ले लेंगे तो। देखिए डॉट खेला है उन्होंने, इनको मैं थोड़ा सा गुड लेंथ गेंद देता हूँ ताकि कैप में खेलें, कम से कम एक गेंद डालने दें मुझे, वो भी बहुत है हेटमायर को। हो सकता है हेटमायर आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने जाएँ और आउट हो जाएँ। देखते हैं, इस गेंद पे फ्लिक किया है, अच्छी बात है, स्ट्राइक हुआ है, रोटेट, कैमर रोच यहाँ पर चले गए सामने की तरफ। हेटमायर 85 पे खेल रहे हैं। कुछ चीज़ें जो मैं बता दूं, हेटमायर के साइज 100 हो जाएंगे 10 ओवर के बाद अगर बचे रहे तो। मैं यॉर्कर लैंड डाल रहा हूँ, हेलीकॉप्टर की उम्मीद है, हेलीकॉप्टर शॉट की, या तो फिर लेग साइड में खेल सकते हैं बड़ा शॉट। डिफेंस कर रहे हैं, सरप्राइज तो फुल ऑन हो रहा है अभी। अब सिर्फ 19 ओवर, 19.2 का खेल बाकी रहा है। मैं यहाँ पे जाडेजा को गेंदबाजी दे रहा हूँ क्योंकि ऑटो प्ले का हिस्सा आया है, ऑटो प्ले हम 10 ओवर करेंगे बड़ी उम्मीद के साथ, और अगर वेस्ट इंडीज़ ने विकेट नहीं खोई तो होगा ये कि हेटमायर तो सेट हैं ही हैं, कैमर रोच भी सेट हो जाएंगे, और अंत की 10 ओवर में 80 रन बन सकते हैं अगर ये दोनों आउट नहीं हुए तो, क्योंकि कैमर रोच भी सेट हो जाएंगे और हेटमायर तो भाई अपनी धुन में है ही। एक तो खोएगी विकेट, 2 खो देती है तो चमत्कार है, लेकिन नहीं कुछ हुआ है। आप देख सकते हैं मैच चालू है, 8 विकेट हो गई है, हमें अब 9 ओवर में 2 विकेट गिरानी है। कम ऑन शमी, कम ऑन बुमराह, और कैमर रोच खेल रहे हैं गेंदबाजी। 85 रन जो मैंने कहा था वही हुआ है, 9.2 ओवर में 85 रन लेने हैं। मैं अगर अभी ऑटो प्ले करता हूँ तो मोस्टली मैच जीत जाऊँगा, लेकिन हम नियम के हिसाब से ही खेलेंगे अपना, कोई चिटिंग नहीं, कोई वो नहीं, हम लोग यहाँ पे ऑटो प्ले नहीं करेंगे। 1-2 विकेट और गिरा दे भाई, बड़ा शॉट, 6 खेला है, जीतने के लिए कोशिश कर रही है, 9 के रन रेट से जीतने के लिए रन चाहिए। क्या वेस्ट इंडीज़ यहाँ से ये मैच जीत सकती है? कैमर रोच ने पहले शॉट पे दिखा दिया है कि हमें हल्का मत लेना,
अगली जो गेंदें हैं 9.2 ओवर्स हैं उसमें हमें हल्का बिल्कुल भी मत लेना। पहली गेंद सिक्स जा रही है, कैमर रॉच अगले शॉट के लिए हैं, डिफेंस कर रहे हैं हाल फिलहाल। बहुत ज़बरदस्त होने वाली है मैच। एक्चुअली मैं जीत की उम्मीद कर रहा हूँ लेकिन यार विकेट का इसमें कोई वो नहीं है, कुछ क्या कब गिरेगी कैसे कुछ पता नहीं। जो से वो ऊपर से नए बैट्समैन है तो वो डिफेंस ही खेल खेल के बिगाड़ेंगे। बड़ा शॉट कैच के लिए मैं बहुत जोर से चिल्लाया हूँ और यहाँ पर कैमर रोच का विकेट मिलता हुआ। नए खिलाड़ी मोहम्मद शमी एक बार फिर से जबरदस्त फॉर्म में, विकेट निकाल गए हमारे लिए जरूरत पड़ने पे। बड़ा शॉट खेल रहे थे कैमर रोच, हेतमायर के साथ मैं यही कर रहा था, एतवायर के साथ मैं यही कर रहा था लेकिन कैमर रोच उनको स्ट्राइक पे ही नहीं आने दे रहे थे। ये दूसरी गेंद है, दूसरी गेंद पे हमने पकड़ लिया और मैंने आपको पहले ही कहा है कि ग्रीन लाइन रखे रहो, बाकी जो होता है वो आपके हाथों में लगभग नहीं होता है। बाकी आपको सिर्फ ये करना है कि ग्रीन लाइन पे रखनी है गेंद और फील्डिंग सेट करनी है, बाकी तो सब अपने आप होगा। यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं आप। इंडियन टीम यहाँ पर अब सिर्फ एक विकेट दूर है, नया खिलाड़ी आया है, अब ये टेस्ट मैच बचाएगा। अगर सोच लो इनकी जगह अगर हम होते तो क्या हालत होती। मैंने गलत गेंद डाल दी, गलती से डबल प्रेस हो गया है। पहला ही गेंद पे सिंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं, जोसेफ हैं, अच्छा जोसेफ खेल रहे हैं सामने। चलिए कोई नहीं, हमारे पास अभी भी मौका है, हमारे पास काफ़ी गेंदें हैं एक विकेट लेने के लिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या ये दोनों बैट उठा के खेलेंगे, क्या ये दोनों डिफेंस के अलावा सिंगल डबल की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि डिफेंस को बीट करना इस गेम में तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से एक्सपर्ट मोड में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। कैच के लिए अपील की है लेकिन टू बाउंस पहुंची है। डेवलपर्स ने हमें ऑप्शन दिया नहीं कि हम प्लेयर जहां चाहें वहां रख सकें, आज इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी होने वाली है। बुमराह को मैं गेंदबाजी से हटा रहा हूं, रविंद्र जाडेजा को बुला रहा हूं। पता नहीं क्यों मेरे को इच्छा हो रही रविंद्र जाडेजा को गेंदबाजी में बुलाने की। स्कोर कार्ड है यहाँ पर 50 गेंदों में 78 रन, आप देख सकते हैं 28 गेंदों का फ़र्क है। पर मुझे नहीं लगता है कि इस समय वेस्टइंडीज जीतने का सोच रही होगी। मैं सोच रहा हूँ फील्डर सारे के सारे अंदर ले आऊँ, मैं वही करता हूँ, फील्डर सारे के सारे अंदर ले आता हूँ। चेक कर रहे हैं हम लोग कितना ये लोग किसी ने कमेंट की थी मेरे पे कि भाई सिली मिड ऑन रखो, सिली विकेट रखो, सिली क्या कहते हैं भाई उसको, वो रखो आपको विकेट मिलेगा। ये भाई मैं उनका सजेशन ट्राई कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं फील्डिंग सेटअप काफ़ी गलत लग रहा है, यहाँ पे प्लेयर एक चाहिए ही चाहिए। ठीक है चलो, काफ़ी हमने रख दी है फील्डिंग। आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेयर को ला दिया है आगे की तरफ। मैंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसी फील्डिंग लगाई है। एक बात है कि ये डिफेंस नहीं करेंगे। अरे हाँ यार, ये तो भाई बिल्कुल सही फील्डिंग सेटअप है, बिल्कुल सही फील्डिंग सेटअप है, क्योंकि ये प्लेयर बहुत डिफेंस कर रहा है ना। ओ एक और लगाते हैं हम लोग आगे, सिली मिड ऑफ पे। हाँ एक और लगाते हैं यार, यही तो टेस्ट मैच है, यही तो असली टेस्ट मैच है, अब मज़ा आने वाला है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ प्लेयर एक और आगे, स्लिप हटा दे रहा हूँ। चल भाई स्लिप वाले भैया तुम यहाँ आ जाओ, और ठीक है चलेगा, पीछे गैप रहने दो, ले ले भाई तू रन ले सकता है तो ले ले, मैं अब तुझे आउट करूँगा। और यहाँ पे वेस्ट इंडियंस बॉलर बैट्समैनों की असली परीक्षा होती हुई। ओ गेंद, अरे यार बच गया ऐसा लगा मुझे। आम बॉल डाल रहा हूँ, पहली बार आम बॉल है यहाँ पे इस मैच की, हमारे इस गेम प्ले की, लेकिन ख़राब डाल दी है। डिफेंस सामने की तरफ डिफेंस, थोड़ा भी मिस किए अगर ये राइट लेफ्ट में थोड़ा भी मिस किए भैया तो आपकी विकेट चली जाएगी, ध्यान रखना। ये गैब्रियल खेल रहे हैं, जोसेफ उनका साथ दे रहे हैं, बहुत डिफेंस बढ़िया है। इतना आसानी से मैं लूँगा नहीं इतने आसानी से इनको, मैं मोहम्मद शमी को ही दे रहा हूँ गेंदबाजी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ कुछ बंदों का दिन होता है, आज मोहम्मद शमी का दिन है। 3 विकेट ले गए 21 में, अभी अभी 100 रन दे चुके हैं वो। और यार एक भाई मैं एकदम रियल मैच की फीलिंग आ रही है मुझे, टेस्ट मैच जो होता है ना आखिरी विकेट वाला, कि यार रह गया कैच हो सकता था, बस समझ लो वही हाल है यहाँ पे। ये ओ इस बार अरे कम ऑन यार, कम ऑन बॉयज, कर सकते हो यार। 2 मौके हो चुके हैं यहाँ पे, मैं बाहर की तरफ स्विंग करा रहा हूँ गेंद को, पिछली दोनों गेंदें मैंने इन स्विंग कराई थी आपको, आपने देखा हो तो। अब यहाँ पे आउट स्विंग आएगी, लेफ्ट करेंगे शायद, अरे आगे के प्लेयर तो बेकार लग रहे हैं मुझे, लगता है एक आध बाउंसर डालता हूँ। मोहम्मद शमी तो है ही तैयार, चल भाई अब दिखा क्या करेगा तू, फुल ऑन बाउंसर है। अरे लीव कर दी है,
वार्निंग मिली है बाउंसर की, लेकिन समझ मुझे ये नहीं आ रहा मैं इसको कैसी गेंद डालूं कि आउट हो, क्योंकि शॉट तो खेल ही नहीं रहा ये बंदा। जो कहते हैं ना कि शॉट खेलना, शॉट खेल ही नहीं रहा। मैं किस तरह की गेंद डालूं कि ये शॉट खेले। कम ऑन यार, रह गया फिर से रह गया, फिर से रह गया। स्ट्राइक रोटेट कर दिया है। तो और मैं आपको बता दूं, बैट्समैन की भी हालत ख़राब ही है। अगर मैं रियल में होता यहाँ पर और मेरे में ऐसा फील्डिंग सेटअप रखा होता तो मेरी भी हालत बहुत पतली होती। मैं तो डिफेंस भी नहीं कर पाता, पुश ही पुश 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 ही करता बार बार हर एक गेंद को। ओ इस बार बैक फुट पे खेलना शुरू किया है, एज की उम्मीद है मुझे लेकिन मिल नहीं रही है। एक और ओवर में स्पिनर को दे रहा हूँ, हमारे पास ज़्यादा ओवर भी नहीं बचे हैं यार, ये भी ध्यान रखना होगा मुझे, नहीं तो होगा क्या पता है, ओवर जी ड्रॉ करा लेगी मैच और ये मैं नहीं चाहता यहाँ पर। अरे भाई सिली वाले प्लेयर, सिली जैसी एक्शन एक्शन मत कर, हर बार डर रहा है गेंद से, तुझे रखा किस लिए मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा। मुझे ताली बजाते हैं फिर झुकते हैं घुटनों पे फिर डर जाते हैं, अभी देखना डरेंगे। अरे यार विकेट कीपर कोशिश कर रहा है लेकिन तुम दोनों कोशिश नहीं कर रहे। चल भाई आम बॉल डाला है, उम्मीद करता हूँ परफेक्ट हो, लेकिन नहीं हुआ है। ये हमारा एक ट्रिक बॉल है एक्चुअली, आम बॉल जो है मैं बहुत ही कम ट्राई करता हूँ, बहुत ही रेयर, हौसला बढ़ाते हुए। लेकिन भाई अभी इस समय हौसले की नहीं, अपना परफॉर्मेंस देने का सही समय है। ताली बजा के आप कुछ नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कैचेस पकड़ने होंगे, मौके क्रिएट करने होंगे, ओवर ऐसे ही ऐसे पूरे हो जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा अंत में। जीत के इतने नज़दीक आ गए हम लोग, काफ़ी अच्छी गेंद भी कर रहे हैं लेकिन गेंद बीट नहीं हो रहे हैं। मुझे पता है अगर मैं ऑटो प्ले करूँगा तो हम लोग जीत जाएंगे मैच, और ऐसा होगा तो मैं आखिरी एक ओवर 1.2 ओवर बाकी होगा तो मैं ऑटो प्ले कर दूंगा, आखिरी 1.2 ओवर बचा होगा तो मैं डिपो कर दूंगा ऑटो प्ले। और एक और ओवर सर्वाइव कर गए यहाँ पे वेस्ट इंडीज़। मोहम्मद शमी को मैं वापस से बुला रहा हूँ, सिर्फ 5 ओवर का खेल बाकी रह गया है, गिन के 32 ओवर 32 गेंदें रह गई हैं और बहुत ज़्यादा निराश हो गया हूँ मैं इस वक्त, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 ओवर डालनी है। अब लीव करते हुए गैब्रियल को खिलाओ, बॉडी पे खिलाओ, क्योंकि कई लोग पिछली बार अगर होते यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में तो कहते, अगर ये लाइव स्ट्रीम होता तो कहते कि यार ऑफ स्टंप पे रख वो खेलेगा। मैं आपको बता दूं गैब्रियल जैसा बैट्समैन जिसने सिर्फ 4 या 5 गेंदें खेली हैं वो सिर्फ और सिर्फ लीव कर सकता है गेंद को, वो खेल नहीं सकता। अगर मैं इसको थोड़ी भी गेंद ऑफ साइड में दूंगा ना तो वो एक ही चीज़ करेगा, लीव कर देगा गेंद को। इसीलिए मैं उसकी सारी गेंदों को अगर ऑफ साइड में डाल रहा हूँ तो अंदर की तरफ स्पिन करा रहा हूँ ताकि वो खेले गेंद को, लीव ना करे वो। अरे यार जीत का रास्ता अभी तो बंद लग रहा है मुझे, इतना आसान नहीं है जीतना टेस्ट मैच एक्सपर्ट मोड में वो भी। सिंगल डॉट जाता हुआ यहाँ पर, हालत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पतली और खस्ती हो गई है। एक्चुअली मैच जीतना हो उस हिसाब से, अब मैच तो हारेंगे नहीं ये कंफर्म है, लेकिन मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं हम लोग, ना कि मैच को ड्रॉ कराने के लिए। गेंदबाजी मैंने बहुत ट्राई की, हर तरह की कर ली, बाउंस डालूंगा नहीं क्योंकि लीव कर देगा बंदा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा लीव करने का। अरे कैसे आउट होगा ये, कैसे आउट होगा। रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की थी, एक दो बार ऐसा लगा था कि शायद कुछ मौका क्रिएट होगा, इस बार मैं पहले ही डाल देता हूँ आम बॉल। अरे यार ग्रीन लाइन क्यों नहीं हो रही आम बॉल, मैं आम बॉल को ग्रीन पे लाना चाहता हूँ, नहीं हो रही ग्रीन पे। जोसेफ है, अच्छी बात है, जोसेफ को रहन दो, कम से कम ये बंदा थोड़े बहुत शॉट तो खेलने की कोशिश करता है। जो हमारे बाकी के बैट्समैन हैं गैब्रियल साहब, वो तो बैट को बस दबा ही देते हैं, ये थोड़ा बहुत तो खेलते हैं। देखिए इनकी गेंदें थोड़ी बहुत 30 yard के नज़दीक जाती हैं और गैब्रियल साहब की गेंद तो वहीं की वहीं दब जाती है। मैंने पहले ही बता दिया 1.2 ओवर पे मैं ऑटो प्ले करूँगा। अब कई लोग बोल रहे हैं भाई क्यों चिटिंग कर रहा है, अब मैं उनको बता दूं एक बात कि मैंने पहले 11 ओवर डाली थी ना कि 10 ओवर, तो उस नियम के हिसाब से जब 20 ओवर का गेम प्ले होता है तो 1.2 पे बनता है मौका, 1.2 बाकी रहेगी तब ऑटो प्ले बनता है अगर 20 ओवर का गेम प्ले हो तो। अरे रन ले लिया है, बॉलर की तरफ थ्रो दे रहे हो यार, क्या खराब कीपिंग। अब गैब्रियल को भेज दिया, अब गैब्रियल भाई साहब खेलेंगे नहीं। मैंने एक गेंद है जो मैंने स्पिनर में नहीं ट्राई की है, वो है ये शॉर्ट पिच और बाउंसर टाइप की गेंद है, ये मैंने स्पिनर के साथ ट्राई नहीं की, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ। बैक फुट पे पुश किया है गेंद को, फ्रंट फुट पे किया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा गेंद को। ड्रिफ्टर
बड़ी उम्मीद से डाली है ड्रिफ्टर, ऑलमोस्ट मिडिल स्टंप पे है, लेकिन फिर से स्ट्राइक ले गया है गैब्रियल, बहुत चालाक बहुत चालाक। अभी मैं आगे प्लेयर रख नहीं सकता हूँ, मैं एक बार फील्डिंग सेटअप चेंज करता हूँ, चेक करता हूँ। मोहम्मद शमी को ओवर दे रहा हूँ, वो ओवर बचे नहीं हैं, तीन ओवर हैं, मतलब कि दो ओवर से बाकी रह गए। मैं फील्डिंग देख रहा हूँ प्लेयर कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तू भी आ जा भाई पी, तू भी आगे आ जा, तू भी आगे आ जा, सब आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ। स्लिप में रखने की ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन असली टेस्ट मैच फील्डिंग अब यहाँ पे हो गई है तेज गेंदबाज के खिलाफ। मैंने पीछे प्लेयर इसलिए रखा है क्योंकि ये कई बार फ्लिक कर रहा है गेंद को, तो मैंने पीछे इसलिए रखा है ताकि वो फ्लिक करे और कुछ हो। 11 गेंदें 11 गेंदें, एक विकेट अगर इंडियन टीम को ये टेस्ट मैच जीतना है तो उसके बाद तो ऑटो प्ले आएगा, कुछ भी हो सकता है ऑटो प्ले में, यानी हम लोग हारेंगे नहीं लेकिन ड्रॉ होने के चांसेस भी हैं। ओ भाई तू डर क्यों रहा है सिली पे खड़ा होके, डर मत मेरे भाई डर मत, तू डर रहा है उसमें ही सब गड़बड़ हो रही है। कई बार गेंद बहुत नज़दीक से गुजरी है लेकिन भाई साहब पहले ही डर जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे अब कुछ ही गेंदों का फ़र्क रह गया है। रविंद्र जाडेजा यहाँ पर आखिरी ओवर करेंगे हमारे इस गेम प्ले की, और यहाँ पर तीन गेंदें और हैं मोहम्मद शमी के पास, सारी की सारी गेंदें डिफेंस कर ली हैं। आप लोग कमेंट जरूर करना अगर ये वीडियो देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, एक साल दो साल तीन साल चार साल महीने के बाद जो भी दिनों के बाद घंटों के बाद, बताना आप कैसे गेंदबाजी करते हैं। अगर मैंने तो देखो स्टंप पे रखी है सारी गेंदें, अपील हुई है, ये क्या है भाई इतनी गंदी अपील, आउट दे दिया है एम्पायर ने, आउट दे दिया है, डीआरएस लेगा पक्का, डीआरएस लेगा, ये कहां से आउट था, अगर डीआरएस नहीं लेगा तो मैच खत्म हो जाएगी, लेगा मैं लेगा लेगा लेगा, मेरे को पता है लेगा, हाँ बोला है डीआरएस लेगा और मुझे नहीं लग रहा है आउट है। अपील हुई जरूर है, अपील हुई, बहुत ज़बरदस्त अपील हुई है, लेकिन क्या ये आउट है चेक किया जा रहा है यहाँ पर, और कुछ कहा नहीं जा सकता, नो डाउट है मेरे को विकेट विकेट भी मिसिंग लग रहा है एक्चुअली। अरे बैट पे टच हुई है, अरे यार बैट एंड पैड है, नॉट आउट होगा, नॉट आउट हो, अरे इसमें नहीं, हाँ दिख रहा है शायद, पता नहीं यार, देखते हैं, विकेट मिसिंग है, मुझे तो विकेट मिसिंग लग रहा है, कितना पीछे गेंद थी है, इन लाइन इम्पैक्ट है, विकेट मिसिंग होगा यार। एम्पायर ने आउट क्यों दिया एक्चुअली मुझे वही समझ में नहीं आया है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का बहुत बढ़िया दिमाग, डीआरएस यूज़ किया है, गेम है भाई, हो सकता है नहीं भी करती, जैसा रियल लाइफ में होता है कई बार गलतियां हो जाती, यहाँ पे गलती नहीं की है, मानना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ी है। मैच अभी भी ऑन है, मैच अभी भी ऑन है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी मदद मिली थी इस गेंद पे, मैं फिर से वही गेंद डाल रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि इस बार दबाव बनाए बैट्समैन पे और हम इसी दबाव का फ़ायदा उठाएं। गैब्रियल जिन्होंने 17 गेंदें, कैच था, ये क्यों झुक रहा है सिली वाला प्लेयर भाई, एक तो डेवलपर्स ने प्लेयर को ये जगह दी नहीं, आखिरी ओवर करने रविंद्र जाडेजा आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ तो कमाल हो, खराब गेंद डाल दी है, विकेट का कोई चांस नहीं है इस गेंद पे, डिफेंस होता हुआ स्ट्रेट बैट से, साइड चेंज करके डाल रहा हूँ मैं, बहुत हो गया ओवर ओवर द विकेट, अब वक्त है थोड़ा साइड चेंज करके ट्रिप्टर डाल रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है शॉट खेलें, गेंद खेले मेरी, लीव मत करना, अरे खेला तो है लेकिन बीट हुआ है, लेट शॉट खेला है, अगली गेंद आम बॉल डालता हूँ मैं, ऑफ स्टंप पे इसलिए दे रहा हूँ गेंद ताकि वो खेले, गेंद अंदर की तरफ आएगी, एंगल बन रहा है, अरे यार 4 गेंदें और, उसके बाद ऑटो प्ले आएगा और ऑटो प्ले में मोस्टली मेरे ख्याल से चांसेस बहुत ही कम है इंडिया के जीतने के, हो भी सकता है एक विकेट की बात है तो भाई एक गेंद भी बहुत है जीतने के लिए, तो ओवर निकाल दिया है, 4 गेंदें ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ 2 गेंदें यहाँ पे अब बाकी हैं, मैं दूसरा डाल रहा हूँ बहुत उम्मीद के साथ कि ये फ्लिक शॉट खेले, पीछे जो प्लेयर खड़ा है उसके पास जाए, लेकिन नहीं हो। अब मैं एक ऐसी गेंद डाल रहा हूँ जो मैंने आज अभी से पहले एक बार भी नहीं डाली, लेकिन वो सबसे सही गेंद होती है, ऑफ स्पिन करा रहा हूँ जो रविंद्र जाडेजा करते हैं हर बार, मैं पहली गेंद डाल रहा हूँ ये, और क्या यार खत्म, सर्वाइव कर गई है वेस्ट इंडीज़, अब आखिरी ओवर का वक्त है, आखिरी 8 गेंदें बाकी हैं, मैं यहाँ पे ऑटो प्ले कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 1.2 ओवर में 74 रन करने हो, क्या बढ़िया बैटिंग की, 39 गेंदें और 18 गेंदें खेल के एंड ऑफ सेशन करेंगे हम लोग, 8 गेंदों का सेशन खाली, क्या 8 गेंदें अगर कंप्यूटर खेलता है या AI खेलता है तो क्या वो ऑल आउट कर पाएगा,
कुछ देर में पता चलेगा, 15 सेकंड से भी कम समय का वक्त है, एक विकेट लेना है। गैब्रियल खेल रहे हैं जबरदस्त डिफेंस और जोसेफ यहाँ पे साथ दे रहे हैं उनका, तो देखना होगा किस तरह से ये दोनों बाकी की 8 गेंदें खेलते हैं। सिर्फ 8 गेंदें खेलनी है, इनकी जिंदगी की सबसे खास 8 गेंदें। मैच ड्रॉ हो गया है, उससे अच्छा तो भाई हम ही कर देते हैं 8 गेंदे तेज गेंदबाज के साथ। शॉकिंग शॉकिंग शॉकिंग, 41 गेंदे जोसेफ खेले, गैब्रियल ने 28 गेंदे खेली हैं और यहाँ पर खेल समाप्त होता हुआ 493/9 स्कोर कार्ड आपके सामने है। मैच का रिजल्ट आ सकता था, टेस्ट मैच जीता है इंडिया, भले नहीं जीती वेस्ट इंडीज भले नहीं जीती, लेकिन हमारे गेम प्ले में मेरे ख्याल से इतना रोमांचक तो हुआ है कि देखने की इच्छा हो। यहाँ पे हैंड शेक और वह सब हो रहा है, फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं, सब किसी काम की नहीं हमारे लिए, हम जीतना चाहते थे यार इस मैच को। एक विकेट से रह गए, सिर्फ एक विकेट से लेंगे, एक्सपर्ट मोड था शायद, वहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। मैन ऑफ द मैच चेतेश्वर पुजारा, डिजर्व करते हैं, हमारी पूरी रियल क्रिकेट 19 की या WCC2 की मिलाकर हमारी पहली डबल सेंचुरी लगी है, लेकिन मैच रहा है ड्रॉ। आखिरी गेंद तक कुछ रिजल्ट आ सकता था, क्योंकि सिर्फ एक गेंद अच्छी चाहिए थी, नहीं मिली, ड्रॉ हुआ है मैच। मुझे मालूम है रियल मैच में तो जब ये वीडियो अपलोड हो रही होगी तब तक इंडिया जीत भी चुकी होगी शायद, क्योंकि अभी चौथा दिन शुरू नहीं हुआ है रियल में, पर मुझे लग रहा है ख़त्म कर देगी एक दिन में और आराम से जीत जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हमारा गेम प्ले हो रहा है समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने वीडियो देखी, लाइक की। नए व्यूवर्स हों प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करते हैं और लाइव स्ट्रीम में भी हमारा कोई ना कोई बढ़िया सा गेमिंग सीन चल रहा होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, चैनल पे देखेंगे पता चल जाएगा कौन सा है। पर अभी के लिए लेते हैं विदा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट और प्यार हमारे वीडियोज़ और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।